मैंने क्या बोला था? ये ले छोटे विलन। अरे 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 मान गए तुझे चक्रवर्ती, मान गए। अरे पुलिस से बचना नामुमकिन समझा था, तूने साबित कर दिया तू सचमुच चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती नामुमकिन काम ही लेता है, अगर मुमकिन काम लिया होता तो चक्रवर्ती नहीं बनता। वाह चक्रवर्ती वाह, तू तो मेरे दुश्मनों का बाप निकला, आज से कंपनी का नाम और बड़ा होगा। अब क्या बोलते हो इरफान? बोलना क्या है शेट्टी, हर बार तू ही सही साबित नहीं होगा, समझाना। तू क्या हर बात को गलत साबित करना चाहता है? हे इरफान, तू बात बात पे शेट्टी भाई को टारगेट बनाना छोड़ दे। आइए शेट्टी भाई, ये दोनों मिलके हमारी कंपनी एक दिन डुबा देंगे, मेरी बात याद रखना। और एक बात, इंटरपोल वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, आई थिंक यू बेटर बी केयरफुल। कितनी भी ट्रैकिंग कर ले मैं नहीं मिलूंगा। शंकर, तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आती है क्या? ये अंडरवर्ल्ड है ही ऐसा, इसमें सब कुछ होता है फैमिली के अलावा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम फैमिली ही तो हैं। मैंने इरफान को अरब का ऑपरेशन, छोटा को ऑयल माफिया, डिसूजा को आर्म्स एंड एमिनेशन, चक्रवर्ती को ब्लैक डायमंड का बिजनेस दिया है। इन सब का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी का नाम और ऊपर जा रहा है, लेकिन तुम्हें दिया हुआ मैच फिक्सिंग और रेस फिक्सिंग कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब तेरा अंदाजा पहले जैसा नहीं रहा शेट्टी। क्यों, अब क्या हुआ? क्या होना है, पिछले फिक्सिंग असाइनमेंट में तेरे गलत अंदाजे और बैड नेटवर्किंग की वजह से कंपनी को पूरे 500 करोड़ का नुकसान हुआ। तुम लॉस की बात कर रहे हो दीवान? 500 खोखा को भूल गए? हर एक काले पत्ते को सफेद में बदलकर अपनी कंपनी को शिपिंग से स्टॉक मार्केट तक लेकर आया हूँ। 2-3 बेटिंग क्या हार गया, मेरा भरोसा टूट गया। इरफान इतना गुस्सा क्यों? भाई सिटी के कहने पे हमने जिस आदमी पे 30 करोड़ रुपए लगाए थे वो साला रिंग में मार खा रहा है। उस दिन डर्बी रेस, कल क्रिकेट बैटिंग और आज रिंग फाइट में ये लॉस। कंपनी की तिजोरी में जो हमने मेहनत से पैसा जमा किया था वो सब साले शेट्टी बैटिंग के नाम पे गवा रहा है। ए इरफान, तू सिर्फ अपने धंधे संभाल, मेरे धंधे में टांग मत अड़ा। तू नहीं तो क्या कर लेगा बे? हां क्या कर लेगा तू साले? शेट्टी भाई ये सब क्या है? इरफान बंदूक अंदर। ये शेट्टी साला हमारे पूरे पैसे गवा रहा है। तेरी तो क्या बे, अगर मुझ पे विश्वास नहीं ना तो चलो रिंग में चल के देख लो। Anyone dare to fight? या शेट्टी, तेरा फाइटर तो गया। हे इरफान, अभी बैटिंग में 30 गया ना, 60 मैं लेके आऊंगा। बैटिंग डबल कर दे। अच्छा? इस रिंग में इंडियन जीतने का इतिहास ही नहीं है।
आज से एक नया इतिहास लिख ले। मैं भी देखता हूँ ना। I can't hear. Nobody to fight. शंकर, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस है। शेट्टी भाई, मेरे अंदर भी एक राक्षस है। Come on. Anybody has guts? इसे कहते हैं फाइटर। किसी इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाभिमान बाहर निकल आएगा। क्यों शेट्टी, शेर को साथ में रखकर तू इन कुत्तों पर बैटिंग कर रहा था, आज भी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूँ। शेट्टी, तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम यह है कि तू चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया, इसीलिए मैं तेरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता। इन सब बातों से आप अपसेट मत होना भाई। एक AK-47 गन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस दीवान के पास, तब से इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ। पता है, ISI वालों से हाथ मिलाकर मुंबई में ब्लास्ट करवाया था, उस समय मेरी फैमिली भी थी वहां, फिर भी मैंने इसका साथ दिया। आज ये करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करके मेरी वजह से बिजनेस रन कर रहा है। एक बेटिंग हार गया तो मैं इसके लिए बेकार हो गया। और वो इरफान, जिसने आज तक सही ढंग से बात तक नहीं करना सीखा, उसकी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है, मगर उसे कुछ नहीं बोलेगा ये। मेरी वजह से इस कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करके इस डी कंपनी को गुड बाय बोलकर चला जाऊंगा। उसके बारे में आप टेंशन मत लो भाई, बेटिंग में हारा हुआ जितना पैसा है वो वापस कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। चलो चलते हैं।